तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जितने भी सहारा की निवेशक हैं बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही है। तो क्या है, लोगों पे मैसेज आ रहा है, जितने भी लोग जो हैं ऑनलाइन कर दिए हैं उनके पे मैसेज आ रहा है। तो क्या है, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, तो भाई आप लोग बने रहें। सहारा इंडिया के द्वारा कंपनी में निवेश किए गए उपभोक्ताओं के पैसे लौटाने की प्रक्रिया सहारा इंडिया पोर्टल में शुरू हो गई है। यदि आपने भी सहारा इंडिया में पैसे निवेश किए हैं और सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर पैसे वापसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो आपको रिजेक्शन SMS मैसेज जरूर मिला होगा। आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो भाई आप लोग बने रहें। सहारा रिफंड पोर्टल न्यू अपडेट स्टेटस बताते चले कि यदि आपने भी सहारा इंडिया पोर्टल में ऑनलाइन रिफंड आवेदन किया है, इसके बाद भी आपका रिफंड एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो फॉर्म भरते समय आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया होगा तो उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही सहारा रिफंड मैसेज को भेजा जाएगा, जिससे आप अपने मोबाइल फोन में चेक कर सकते हैं और रिजेक्शन का कारण जान सकते हैं। तो भाई इस मैसेज का मतलब ये है, यानी कि दोस्तों जितने भी लोग ऑनलाइन कर दिए हैं उनके पे रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो है एक मैसेज जा रहा होगा। तो भाई इस मैसेज का मतलब ये है कि आप जो है अपना स्टेटस चेक करें, यदि आपने ऑनलाइन कर दिया है हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा या एक्सेप्ट हो गया होगा। लोग इंतजार भी सभी से कर रहे होंगे कि मैंने ऑनलाइन कर दिया है मेरा पैसा आ जाएगा, तो फिलहाल जो है इसका स्टेटस जो है PDF डाउनलोड कर लेना है। यदि आपका रिजेक्ट होगा तो कारण क्या है, कैसे है, कुछ भी होगा तो उसमें आपको पता चलेगा। यदि अप्रूवल होगा तो जो है आपका पैसा मिल सकेगा। आप लोग जो है इसके ऑप्शनल वेबसाइट पे जाकर के इसका स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो स्टेटस है आप लोग चेक कर सकते हैं।